लालू परिवार राजद परिवार की ओर से जी। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार पार्टी की ओर से आदेश हुआ, मैं उनका सिपाही। अर्जुन राय गायघाट विधानसभा क्षेत्र बदिया ग्राम में मेरा घर हुआ, मैं उनका सिपाही हूँ। उनका आदेश हुआ है कि पूरे विधानसभा में जा करके सभी धर्मों के लोगों से भाइयों से होली का संदेशा पहुंचा दीजिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं उनके आदेश पर अपने आज मैं मुजफ्फरपुर चला हूँ, मुसहरी होते हुए लालटेन वाला गाड़ी मेरे साथ, नटवर लाल जी है वैशाली के महुआ के, लालटेन वाला गाड़ी बना के चलते हैं, यही पटना में अपना आदमी सब बना के हमारे साथ गए थे, ये हमारे बड़े भाई हैं। गांव गांव घूमने का क्या उद्देश्य है? वो बेरोजगारी यात्रा जो अभी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का जो है बेरोजगारी यात्रा जी, उनका संदेशा पहुंचाना है कि जब इस जिला में किसी भी ओर से किसी भी कोने से अगर तेजस्वी सरकार की बेरोजगारी यात्रा की गाड़ी आएगी तो हम लोग लाखों की संख्या में चल करके उनकी बात को सुनेंगे और उनकी यात्रा को सम्मान को बढ़ाएंगे। इसलिए गुदरी के लाल है आज जो हम लोगों को, इससे पहले जो आवाज था माँ बाप जन्म देता था जी, और जो आवाज नहीं था वो आवाज लालू यादव देने का काम किया है। होली का जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से क्या एनडीए को संदेश देना चाह रहे हैं? मैं एनडीए को संदेश देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार आज होली के अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि इससे पहले ए नीतीश बाबू जो सुशासन के मुखिया कहे जाते हैं, वार्ड पंचायत हर गांव गांव में जी दारू का दुकान खुलवाए। सर बता रहा हूँ तो पहले ये दारू का जिस तरह मैं नहीं जानता हूँ, लोग कहते हैं हमारे चाचा गार्जियन बाबा सब कि अंग्रेज ने चाय का आदत पकड़ा दिया जी, तो नीतीश जी ने सारे अमीरों गरीबों को जो नहीं पीते थे, गरीब आदमी नहीं मिलता था, नहीं पीता था मुजफ्फरपुर कौन जाएगा, तो उनको ये गली में चनपुरा वाडे वाडे आदत पकड़ा दिए बच्चा सबको कि तुम दारू पियो। और जब सब पीने लगा और गरीब आदमी सब अपना धंधा करके रोजी रोटी करके उसके उपाय में जीने लगा तो नीतीश जी देखे कि सब मरेगा कैसे गरीब वाला, तो सबको जो पूंजीपति और माफिया के दारू बंद कर दिए। और दारू बंद कर दिए वैसे है कि दारू ये होली में जो है सब आदमी जान रहे हैं ना कहाँ से आ रहा है, आधा कमाई नीतीश जी का है, चुनाव का खर्चा वही में से जाते हैं। जितना आप लोग जो दारू पिए हैं वो जाली वाला, वो जालियों वाला फैक्ट्री रखवाले है नीतीश जी, वो चीज है आदत पकड़वा दी है, अब शोषण देख रहे कर रहे। जब नीतीश जी मुजफ्फरपुर में आए थे तो इस राज्य के मुखिया है ना, और वो आए कि दो गो बैंक सरकारी लुटवा दिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सारी जनता से पूछिए जिस दिन मुजफ्फरपुर नीतीश कुमार आते हैं और दो गो बैंक सरकारी लुटाता है, इससे क्या साबित होता है? बालिकागिरी कांड, समीर हत्याकांड, नवरूना हत्याकांड इस मुजफ्फरपुर की धरती पर हुआ है। गरीब बच्चा आप ही का बाल बच्चा प्रेम में शादी कर लिया, उसको कोर्ट देता है तो नाबालिग रहता है, तो उसका सरकार के द्वारा संस्था के द्वारा ऐसा बनाया गया है कि बच्ची लोग जाती थी और क्या एक उस मंत्री कुछ शासन के एनडीए का मंत्री डायरेक्ट उनसे लगाव है। आज देखिए वो केस एगो मर्डर हो गरीब साहब तो पुलिस घर छोड़ दी है, 50,000 का लोन आज देखिए गहूम सारा गिर गया ना, कर्ज नहीं माफ कर रहे हैं, 50,000 का कर्ज है ना आपके ऊपर, तो आप भाग रहे हैं जब पुलिस ने बांट रहा है का पूरे देश को लूट करके धीरू भाई के कौन विजय माल्या को दे दिया है करोड़ों अरबों के रुपया के नाम पर, फैक्ट्री के नाम पर। तेजस्वी की यात्रा से मैसेज क्या देना चाहते हैं? तेजस्वी की यात्रा से मैसेज देना चाहते हैं कि 15 साल के जो राज में इससे पहले जो गुदरी के लाल, गोपालगंज के लाल, लालू यादव ने जो राज चलाए थे उनका सोच था कि मैं पिछड़े वर्ग से आया हूँ, पिछड़ी की आवाज, पिछड़ा हमारा भाई जो है जब 60 बरस का होगा तो वृद्धा पेंशन कैसे जाएगा छुराने, दस्तखत नहीं करने आएगा तो और उसका बच्चा हो गया पढ़ने वाला वो कैसे जाएगा, तो उनका सोच था कि चरवाहा विद्यालय बनवाए, काहे कि भैंसी भी चरौते कोई में सब मास्टर ओहने रहता है तो ओकरा लाज नहीं लगता है, इला दस्तखत करे के सीख जाते ना तो वृद्धा पेंशन निकालते। क्या सूरी और लोहिया का सोच था, उसके एक एक सोच से पैदा हुआ लालू यादव। लालू यादव कोई व्यक्ति का नाम नहीं था, लालू यादव कोई आदमी नहीं थे, लालू यादव एक विचारधारा का नाम था, एक लालू यादव गरीब दलित पिछड़ों की आवाज था, जो उनको आवाज नहीं था वो आवाज देने का काम किया, माँ बाप
उस समय हम लोग बच्चे थे, जन्म लिए थे, देखते थे कि फलाना बाबू फलाना मालिक कुर्सी पर नहीं बैठे के डोली घेर लेवे के फल्ला कर लेवे के वही के इतिहास के तोड़ने का काम किया गुजरी के लाल गोपालगंज के लाल लालू यादव लोहिया और कर्पूरी के विचार के नीति पर चलने वाला उनकी सोच से चलने वाला ए लालू यादव जी एकदम स्वस्थ हूँ। इस बार 2020 का सरकार है ना, तेज पूरब है, तेजस्वी पश्चिम है और दक्षिण में नटवरलाल है जो महुआ वैशाली के, तो उत्तर में अर्जुन है। चारों चौहद्दी सील कर दूंगा मैं दीपक जी। मैं कहता हूँ ये लोकसभा जो राजद पार्टी का गया है गठबंधन का, मैं तेज और तेजस्वी सरकार को कहना चाहता हूँ कि मैं इस बार आज मैं रमेश राम जी से आशीर्वाद लेकर आया हूँ। सरस्वती मंदिर मुजफ्फरपुर में कोई नहीं बना, इसी धरती के लाल पैदा आप लोग किए थे रमई राम भूमि सुधार मंत्री, मैं उनके यहाँ से आशीर्वाद लेकर आया हूँ। वही ने सरस्वती माँ के मंदिर बनाए हैं मुजफ्फरपुर में, मैं अभी तक जानता हूँ। वहां से आशीर्वाद उनकी आशीर्वाद मैं कह के वादा कर गया हूँ कि लोकसभा एक सीट गया है तो मैं 11 विधानसभा नुक्कड़ सभा लगा लगा करके लालटेन के झोली में रखूंगा और जो दुश्मन होगा उसको बत्ती बना करके जला दिया जाएगा।